चलिए, नोबडी इज रेजिंग हिज हैंड, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। तो मैं विजन और मिशन बता देता हूँ कि ये क्या होता है, फिर इसके बाद हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन चालू करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होती है और उसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं। तो विजन आपका होता है अगले कुछ समय में, इन द अपकमिंग फ्यूचर और इन द नियर अबाउट टाइम, वेयर द कंपनी वॉन्ट्स टू सी हिमसेल्फ। कुछ समय बाद या नियर फ्यूचर में कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। जैसे अगर अभी इसका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है, तो अब अगर उसको उसका विजन है कि उसको अगले 5 साल में कंपनी कहाँ अपने आप को देखना चाहती है, साल में कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, तो उसका एक विजन स्टेटमेंट होता है। मतलब कि जैसे अब हम कहें कि हमारी एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा विजन है कि अगले 5 साल में हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके हम एक कदम आगे होंगे, या हमारा टर्नओवर लगभग इतना पहुंच जाना चाहिए। ठीक, हम यहाँ पर इस समय बाद यहाँ पर होंगे हम। अब मिशन क्या होता है? मिशन उनके होते हैं गोल्स, जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। मिशन क्या होते हैं? जो कंपनी अपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करती है अपने के लिए बनाती है। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन द विजन एंड मिशन। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होती है। आई थिंक कि सबकी स्क्रीन पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की एक स्लाइड शो हो रही है। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को समझने से पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी क्या होती है। अच्छा, हम पहले एक सिंपल बात करते हैं। आपके घर में कभी शादी वगैरह भी होती है और बर्थडे भी होते हैं। जब शादी होती है तब उसकी प्लानिंग आप काफी पहले से चालू कर देते हैं। मान लीजिए आपकी शादी के बाद, तो आप 3 महीने पहले से ही तैयारी चालू। चलिए, ये नेटवर्क इशू बहुत होता है, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी की। तो हमने कहा था कि जब कभी आपके घर में शादी वगैरह होती है या बर्थडे होता है, तो शादी की प्लानिंग आप लगभग 3 या 4 महीने पहले से चालू कर देते हैं, और जब बर्थडे होता है तो आप उसकी केवल प्लानिंग 1 या 2 दिन पहले करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कंपनी में कुछ प्लानिंग्स होती हैं, कंपनी में प्लानिंग होती है किस चीज के लिए। जैसे जब आप शादी की प्लानिंग करते, वो शादी की तैयारी करती हैं, तो किस लिए? ताकि आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के मिशन और गोल हैं, उनको अचीव किया जाए बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से। ठीक है ना?
सो अब ये तो हमने एक सिंपल इसको डिफाइन किया, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं अलग वे में। स्ट्रेटजी इज अ ब्रॉड प्लान डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इट फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट वॉन्ट्स टू बी। अ वेल डिजाइंड स्ट्रेटजी विल हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इन रीचिंग इट्स गोल्स व्हाइल constantly allowing it to monitor its environment to adopt the strategy as necessary. अब strategy क्या है? Strategy किसी organization का एक ऐसा broad plan होता है जिसमें वो ये देखती है कि अभी वो कहाँ पर है और आगे कहाँ पर जाना है, आगे कहाँ पर अपने आप को देखना चाहती है, वो आगे क्या बनना चाहती है। ये मैंने अभी बताया था कि ये क्या होता है, विजन, आगे कुछ आने वाले समय में फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं। और ये किस लिए होता है? A well designed strategy will help an organization reach its maximum level of effectiveness in reaching its goal. मतलब कि ये वो स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए। तो स्ट्रेटजी क्या हो गई? स्ट्रेटजी एक ब्रॉड प्लान है, जहां पर कंपनी अभी है वहां से वो क्या बनना चाहती है और उसके जरिए अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो हमें कुछ स्कैनिंग भी करनी पड़ती है। स्कैनिंग का मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब यहाँ पर आपके नेचुरल एनवायरमेंट से नहीं है, वो भी एक फैक्टर होता है, नेचुरल एनवायरमेंट भी है, लेकिन इसके साथ भी कुछ बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, कुछ बिजनेस फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो हमें उनकी भी स्कैनिंग करनी पड़ती है, जो कि अगला आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद अगला टॉपिक है, ठीक। उसमें क्या क्या होता है, उसमें बहुत से स्ट्रेटजीज लगते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, ई टॉप, और इस तरह से जो है बेस्ट एनालिसिस, माइकल पॉटर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल, इस तरह से बहुत ढेर सारे मॉडल्स हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटजी। अब हम करते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, मतलब कि अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, उसको हम कितने स्टेप्स में फॉलो करते हैं। तो मोस्टली बुक्स में या आप इंटरनेट पे या कहीं भी देखेंगे तो उसमें 5-6-7 स्टेप्स इस तरह से दिए होते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका 5 या 6 या 7 ही हो, कहीं पर एक एक्स्ट्रा, कहीं पर एक ज्यादा, किसी के 1 के 2 पार्ट इस तरह से कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 स्टेप लिए हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्ट्रेटजी एंड द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट्स डिफाइंड गोल। मतलब कि ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी को डेवलप करने का एक प्रोसेस है, जिसके जरिए अब जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसमें बहुत ढेर सारी स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं, कई स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं, उनमें से हम उस स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। हम मोस्टली वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को अचीव करने में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हम उन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बिकॉज इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन दैट लीड टू एंटीसिपेटेड रिजल्ट। अब इस बात की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि ये हमारा एक ऐसा प्लान, लेआउट प्लान है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा फ्यूचर रिजल्ट है, जो हमारे पास फ्यूचर रिजल्ट है, उनको अचीव करने में बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक है। एंटीसिपेटेड रिजल्ट का मतलब यहां पर है रितिका, यस सर, उमा कैसी आपकी क्लासमेट है? यस सर। ओके चलिए, तो अब हमारे पास जो एंटीसिपेटेड रिजल्ट का मतलब है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फोरकास्टिंग करते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स बनाते हैं तो हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब कि हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उसी की प्रोसेस,
तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन करना है। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग का मतलब, अब अगर आप मान लीजिए आपका किसी का बिजनेस चलता होगा तो उसमें क्या होता है, सबसे बिजनेस में जो सबसे मेन होता है दैट इज कस्टमर, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करना। अभी देखते हैं कैसे। तो एक स्ट्रेटजिक प्लान ऑल्सो इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट इट्स रिसोर्सेज, एलोकेट बजट्स एंड डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव प्लान फॉर मैक्सिमाइजिंग ROI, that is return on investment. तो एक strategic plan क्या होता है, किसी भी organization में resources हैं उनका optimum utilization. Optimum utilization का मतलब होता है कि उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना। अब एक example के तौर पर समझिए कि अगर आपके organization में एक machine है, तो उसका इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो आपको बेटर रिजल्ट दे सके। अब ऑप्टिमम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम उसको इतना निचोड़ लें कि वो मशीन जहाँ एक साल चल रही थी वो 3 महीने में खराब हो जाए, समझ रहे ना। ऑप्टिमम का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, ऑप्टिमम का मतलब यहाँ पर इफेक्टिवली और एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे अगर आपके पास मशीन हो, आप कह दिया कि सर ने तो कहा था भाई कि ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है तो हम उसको पूरे 24 घंटे चलाएंगे, तो जिस मशीन की लाइफ आपकी 1 ईयर की थी वो फिर पता चला कि 3 महीने में ही खराब हो गई, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल मतलब कि उसको उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना है जिससे वो बेहतर रिजल्ट दे पाए, उसका आउटपुट बेहतर हो। हम जब स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं तो हमारे पास जो उसमें रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हैं। और जो बजट होता है, अब बजट का मतलब कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है तो उसके पास जो भी फंड अवेलेबल होता है तो उसको वो इन्वेस्ट करती है और उसको एक्सपेंस करती है। इन्वेस्ट का मतलब कि जहां से उसको रिटर्न मिलना है, और एक्सपेंस जहां से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट फंड चाहिए भी और खर्च भी करना पड़ता है, दोनों चीजें। तो बजट में क्या होता है कि हम इस तरह से अपने फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करें, हमारे पास जो फंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से करें कि हमारे जो फंड इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो मैक्सिमम दे सके, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। मान लीजिए कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने कहीं कुछ इक्विटी में कर दिया, कुछ डिबेंचर्स में कर दिया, कुछ हमने बॉन्ड्स में कर दिया, कुछ प्रेफरेंस शेयर में कर दिया, इस तरह से हम इन्वेस्ट करें। और इसके लिए क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप अभी बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम करने के बाद आप में से ही कोई सीए बनेगा, कोई फाइनेंस मैनेजर बनेगा, कोई अकाउंटेंट बनेगा। तो आप सभी का काम क्या है, जो फंड या फाइनेंस आपके पास है उसको मैनेज करना। अगर आप मान लीजिए सीए बन गए तो सीए के हाथ में कंपनी के पूरे फंड का कंट्रोल होता है, आप में से ही मान लीजिए बहुत से लोग अभी टारगेट रखे होंगे कि उनको सीए करना है, तो सीए देखते हैं कि वो कंपनी के पूरे जो फाइनेंस होता है उसको देखता है, अकाउंट मैनेजर होता है तो वो देखता है, फाइनेंस मैनेजर होता है तो वो देखता है। तो जब आप ये बन जाएंगे तो क्या होगा कि आप ये चाहेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फंड है वो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे। तो आप अपना बजट जो है इस तरह से एलोकेट करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, ठीक। फिर अ कंपनी दैट हैज नॉट टेकन द टाइम टू डेवलप ए स्ट्रेटजिक प्लान विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉयज विद डायरेक्शन और फोकस। अगर कोई कंपनी, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, मान लीजिए कि जैसे आपके घर में शादी हो रही है, शादी के लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, आपके पास 1 महीने बाद शादी है और आपने कोई प्लानिंग नहीं की और बैठे रहे, सब कुछ अपना नॉर्मल काम करते रहे, फिर जिस दिन शादी होगी तो फिर क्या होगा, भागदौड़ी होगी। भागदौड़ी में फिर क्या होगा कि आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपके काम बिगड़ जाएंगे, कहीं कोई चीज छूट जाएगी, तो इससे क्या होगा, शादी का पूरा प्रोग्राम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर लोग कहेंगे कि भाई अरे उनकी शादी अच्छे से नहीं हुई। सिमिलरली है कंपनी पर, देखिए अगर कोई कंपनी स्ट्रेटजिक प्लान को अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाती है, अपने एम्प्लॉयज को अपने स्ट्रेटजिक प्लान के बारे में सही से नहीं बता पाती है,
तो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। उनका जो डायरेक्शन होगा ना, भाई कंपनी में पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, कंपनी में पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि एम्प्लॉय सही से काम करें। अगर आप किसी भी बंदे को निरंकुश मतलब कि विदाउट डायरेक्शन छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो यहां वहां भगेगा, उसको पता नहीं कि उसको क्या करना है। जब उसको पता नहीं होगा कि क्या करना है तो अपने मन का करेगा वो, अब वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो या ना हो। ठीक, तो इस वजह से जो स्ट्रेटजिक प्लान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो 6 स्टेप हैं जो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में फॉलो करते हैं। पहला क्या है, डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा डिफाइन द स्ट्रेटजिक मिशन, तीसरा डिफाइन द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, चौथा डिफाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, पांचवा इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी एंड छठवा इवेल्युएट प्रोग्रेस। अगर आप यहां पर देखें, मिशन, ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, ये सब आगे आपके सिलेबस में आने वाले हैं। मिशन तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिशन क्या होता है। आप याद रखिएगा, ये मिशन, ऑब्जेक्टिव, विजन और स्ट्रेटजी, ये आपके एग्जाम में पक्का आता है। मिशन और विजन में से तो कोई ना कोई एक पक्का आएगा, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा पूछा जाता है कि मिशन क्या होता है या विजन क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं किसी भी स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में। और यहाँ पर जो 6 स्टेप दिए हैं, कंपल्सरी नहीं है कि हर जगह आपको यही मिले, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी मिल सकते हैं, लेकिन एक अगर रफली देखा जाए तो लगभग लगभग हर जगह यही चीजें मिल जाएंगी आपको। तो हम पहला स्टेप डिफाइन करते हैं कि डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनता है किससे, उसके एम्प्लॉयज, उसके कस्टमर्स, उसके शेयर होल्डर से। तो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक शॉप है, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो आपके उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द कंपनीज कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने का मतलब है कि आपको उस कंपनी के कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, आप उनसे कितनी प्राइस ले रहे हैं। यहाँ कस्टमर आइडेंटिफाई करने का मतलब हर चीज है, कस्टमर आइडेंटिफाई करने का मतलब, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप सोप या बिस्किट या शूज कुछ भी बना रहे हैं, तो आप कस्टमर को ध्यान में रखते हैं कि कस्टमर्स इतना पैसा पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आपको प्राइस उस हिसाब से रखनी है। कस्टमर्स को क्वालिटी किस तरह की चाहिए तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, कस्टमर्स को डिजाइन कौन सी चाहिए तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमने कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है तो आपकी कंपनी में जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारी चीजों पर ध्यान देना है ना? तो यहां पर डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि विदाउट ए स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हुज नीड्स आर बीइंग फिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस नहीं है, मतलब कि आपके पास अगर अच्छे कस्टमर या ज्यादा कस्टमर नहीं है जिनकी जरूरत आपको पूरी करनी है, जिनकी जरूरत आपको पूरी करनी है, वो कस्टमर अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर वैल्यूड बाय इट्स कस्टमर। तो कंपनी को उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो उसके कस्टमर से रिलेटेड है। कंपनी को उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कस्टमर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हम अगर कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मेरे मेन कस्टमर जो है यूथ हैं, जो आपके युवा हैं वो कस्टमर्स हैं। अब मैं उनके लिए एक कोई ड्रेस डिजाइन कर रहा हूँ, उनके लिए ड्रेस डिजाइन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या देखना पड़ेगा कि आजकल के यूथ के पास इनकम के चांसेस क्या है, कितना वो खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए 400 to 500 के बीच में मुझे एक ड्रेस डिजाइन करनी है, एक मुझे लगता है कि इतना वो जो है एक्सपेंस कर सकते हैं अपनी ड्रेस के लिए। फिर इस समय किसका फैशन चल रहा है,
कौन सी डिजाइनिंग यूथ ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो देखेंगे, फिर क्लॉथ की क्वालिटी देखेंगे कि क्लॉथ किस क्वालिटी का है, यूथ कौन सी क्वालिटी का क्लॉथ पसंद करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद किस ओकेजन के लिए है, ओकेजन का मतलब मैरिज पर्पज के लिए, बर्थडे पर्पज के लिए, नॉर्मल पर्पज के लिए, पार्टी पर्पज के लिए, तो ये सारे के सारे हम फैक्टर्स जो कस्टमर से रिलेटेड है हम आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बहुत से कस्टमर जैसे कोट वगैरह है, हमारे यहाँ सूट चलता है ना, तो मोस्टली शादी में या ऑफिस में पहना जाता है, तो ऑफिस के लिए जो सूट डिजाइन होता है वो फॉर्मल होता है, और वही जब पार्टी के लिए सूट डिजाइन होता है तो वो आपका डिजाइनिंग वाला या कुछ भड़कीला चमकीला इस तरह का हो सकता है। क्यों भाई, देखिए सूट तो आप दोनों जगह पहन सकते हैं, लेकिन पार्टी में आपको अलग दिखना है, ऑफिस में आपको सिंपल दिखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अभी कॉलेज में या ऑफिस में जाइए तो फॉर्मल पहनिए, और जब आप कभी पार्टी में जाते हैं तो वहां आप जितने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं वहां पर आप पहन के जाइए। तो ये सारे फैक्टर्स जो रिलेटेड होते हैं कस्टमर से हमें देखने पड़ते हैं। फिर इसी के साथ किस कल्चर से रिलेटेड करता है, अगर साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में कोट पैंट का ज्यादा नहीं चलता, वहां पर लुंगी और उसका कुर्ते का चलता है या शर्ट का चलता है, तो वहां के हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि वहां पर किस तरह से लोग पहनते हैं। आप इसी तरह से वेस्ट में चले जाएंगे तो वहां कोट पैंट या सूट का ज्यादा चलता है, आप इसी समय नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाइए तो वहां अलग ड्रेस होगी। तो इन कस्टमर से रिलेटेड ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ठीक, नाउ इज द वैल्यू बेस्ड ऑन ए सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटिव टू द कंपटीशन, आर योर कस्टमर्स बाइंग योर प्रोडक्ट्स फॉर योर लो प्राइस, डू यू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मीट इमेज नीड ऑफ योर कस्टमर, तो क्या आप इस तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल और से समझिए, ये तो ड्रेस का एग्जांपल हो गया, मान लीजिए फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली क्या करती है, तो शायद उसका नाम चेंज हो गया, फेयर एंड ग्लो हो गया, ठीक है ना। तो अब वो जो क्रीम है, जब क्रीम बेची जाती है तो क्या वो क्रीम बेची है, नहीं, वो क्या करती है, वो लोगों की ब्यूटी का, हमारे यहाँ पर ब्यूटी का स्टैंडर्ड है फेयर कलर, हमारे यहाँ ब्यूटी का स्टैंडर्ड है फेयर कलर, तो वो क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर फेयर कलर, अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गॉट फेयर कलर, अगर आप फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते हैं तो आपका फेयर कलर हो जाएगा, इसका मतलब कि आप सुंदर हो जाएंगे। तो कंपनी एक जो प्रोडक्ट आपको पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है वो नहीं बेच रही है, वो बेच रही है आपको फेयर कलर, क्योंकि आपको वो चाहिए, आपको क्रीम नहीं चाहिए, आपको चाहिए फेयर कलर। आप क्रीम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, अपने फेयर कलर के लिए, तो कंपनी आपको क्रीम ना बेच करके अपना फेयर कलर बेच रही है जो आपको पसंद है। तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर होते हैं, सोसाइटल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, जिसको कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब जैसे आपकी इनकम के हिसाब से भी कंपनी को उसकी प्राइस भी उसी तरह से रखनी पड़ती है। जैसे अगर हम देखें तो कस्टमर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब एक हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स हैं जो एंड्रॉयड फोन रखते हैं 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 12,000 तक का, बहुत खींच के 20-25,000 तक का, या बहुत खींच के रखा तो आईफोन रख लिया 30-35-40,000 का। अब यही कस्टमर मान लीजिए मुकेश अंबानी है, तो वो क्या खरीदेंगे, फैल्कन, जो आईफोन की फैल्कन सीरीज आती है, उस एक फोन की कीमत 370 करोड़ रुपए। द प्राइस ऑफ वन फैल्कन आईफोन 6 इज 370 करोड़ रुपीज, विच इज यूज बाई बिलेनियर पीपल, जो उसको बिलेनियर पीपल इस्तेमाल करते हैं और वो केवल ऑर्डर पर तैयार होते हैं। तो हमें कस्टमर की जरूरत को आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर कौन है हमारा, हमारा कस्टमर कौन है। अब वही चीज हमारे लिए अगर कंपनी होगी तो डिजाइन थोड़ा ना करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ता है कि हमें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, ठीक। दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए और क्यों काम कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। नाउ लेट अस रिव्यू सम ऑफ द वेज इन विच कंपनीज कैन डिफाइन देमसेल्फ, कुछ हम तरीके देखते हैं जिससे कंपनी अपने आप को डिफाइन करती है। पहला, एंड बेनिफिट्स। एंड बेनिफिट्स क्या है,
जो कस्टमर मतलब कि जो पीपल उसको इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिमेम्बर दैट पीपल आर बाइंग बेनिफिट्स नॉट फीचर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वही उसका इस्तेमाल करे। एग्जाम्पल देखिए, जो आपके पास बच्चों वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो आपके बेबी फूड्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कॉम्प्लान या आपके हॉर्लिक्स वगैरह जो बच्चों के लिए आते हैं, तो खरीदते उनको कौन है? उनके पेरेंट्स, उनके फादर एंड मदर खरीदते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करता है उसको उनके चिल्ड्रन कंज्यूम करते हैं। तो एंड बेनिफिट्स किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को। खरीद कौन रहा है? कस्टमर, दैट इज देयर फादर। उनके जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स जो है उनको खरीदते हैं, और कंज्यूम करने वाला कोई और है। तो जब कंपनी अपना प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो इन चीजों का ध्यान रखती है। किसका? कि हम किसके लिए बना रहे हैं और उसको खरीदेगा कौन। अब देखिए, जब बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं तो कंपनी जब बनाती है तो वो जानती है कि खरीदेंगे इसको पेरेंट्स। तो उनको आपने अगर एडवर्टीजमेंट देखा हो तो क्या है, दोनों में वो रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे आप हॉर्लिक्स वगैरह देखें तो उसकी मदर अपना चाइल्ड को मिल्क में उसको मिला करके देती है, या कॉम्प्लेन वगैरह इस तरह से मिला करके देती है, जो भी होता है। तो इस तरह से डिजाइन की जाती है। तो कंपनी को ये याद रखना पड़ेगा कि उसका एंड बेनिफिट या एंड यूजर कस्टमर कौन है। एक दूसरा, टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे हम केवल अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब आईफोन फाल्कन 6 है तो वो केवल नॉर्मल कस्टमर के लिए नहीं है, हम केवल टारगेट कर रहे हैं जो हमारे बिलेनियर कस्टमर हैं उनको। या फिर अगर हम बुक्स या कुछ ऐसे मैगजीन या कुछ ऐसी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम उन पर्सन्स को, हमारा टारगेट मार्केट होगा जो एजुकेटेड होंगे उसका। जैसे जब हमने अपने फेयर एंड ग्लो अभी क्रीम का एग्जाम्पल लिया, तो हमारा टारगेट मार्केट कौन है? ओनली फीमेल। केवल फीमेल ही ऐसी हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो जैसे फेयर एंड हैंडसम आता है वो मेल के लिए होता है, तो उसमें दोनों अलग अलग जेंडर, जो हेयर कलर का एक प्रोडक्ट है तो मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। तो ये ऐसे हमारे टारगेट मार्केट हैं जो कंपनी जब प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो अपना ध्यान में रखती है। जैसे जेंडर वाइज हो गया, इनकम वाइज हो गया, एजुकेशन वाइज हो गया, फैमिली वाइज हो गया, लाइफ साइकिल वाइज हो गया, कल्चर वाइज हो गया, ऐसे बहुत ढेर सारे फैक्टर होते हैं कि हमें उनको टारगेट करना पड़ता है। ठीक। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कंपनीज, मेडिकल रिसर्च कंपनीज एंड अदर कंपनीज दैट आइडेंटिफाई देमसेल्व विद द टेक वर्ल्ड विल फाइंड दैट दे मस्ट बी एबल टू क्विकली अडॉप्ट टू चेंजेस इन द मार्केट प्लेस। अब एक टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा फैक्टर है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और उसका नया वर्जन आ गया, तो कंपनी क्या देखती है कि अगर आपके पास पैसा खर्च करने के लिए है तो वो उसका नए फीचर के साथ, जैसे इस समय पबजी वाला गेम एक चलता है ना, तो उसके पहले और गेम चलते थे तो उसने उनको हटा दिया। ये टेक्नोलॉजी अपडेशन है। उसमें क्या है कि अब टेक्नोलॉजी, अब पबजी गेम में लोगों का क्या है कि इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। तो जो पबजी गेम है तो उसमें जो फोन चाहिए उसके लिए रैम उसकी ज्यादा चाहिए, उसकी रोम ज्यादा चाहिए, उसका प्रोसेसर ज्यादा स्पीड वाला होना चाहिए। ये बहुत सी चीजें हैं। तो बहुत से आपने स्टूडेंट्स या बच्चों को देखा होगा जब पबजी खेलते हैं तो उनके मोबाइल की रैम रोम ज्यादा होती है, और उसका इस्तेमाल वो केवल गेमिंग के लिए करते हैं। तो जैसे गेम खेलने वाले बच्चों के लिए होता है, तो जो लैपटॉप या मोबाइल वगैरह आते हैं तो उसमें अब अलग से आता है कि आपको उसमें ग्राफिक कार्ड होता है। जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं तो उनकी रैम ज्यादा होगी, 8 GB की या 16 GB की उसके ज्यादा होगी। उसमें ग्राफिक कार्ड, मान लीजिए हम लोगों को नॉर्मल ग्राफिक कार्ड जरूरत पड़ता है, तो जो गेम खेलते हैं उनका 3D का गेम है तो उनको 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, 8 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए। जो उनकी स्क्रीन है वो होना चाहिए, उसमें सेंसर अच्छे होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो कंपनीज हैं अपने कस्टमर्स को ध्यान में रख करके डिजाइन करती हैं। तो दिस इज योर डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, की आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो क्या करना चाहता है। द सेकेंड स्टेप इज डिफाइन द स्ट्रेटजिक मिशन। अब हमें अपने स्ट्रेटजिक मिशन को डिफाइन करना पड़ता है। अभी मैंने क्या बताया था कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक मिशन ऑफर्स अ लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर गोइंग फॉरवर्ड।
ये लॉन्ग रेंज के प्लान होते हैं, लंबे समय के लिए उनका मिशन जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना। एक क्लियरली स्टेटेड मिशन विल प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद अ गाइड फॉर कैरिंग आउट इट्स प्लान। अगर किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्लियरली स्टेटेड है तो वो जो उसके एम्प्लॉय है उसके एक गाइड का काम करता है। किसी कंपनी का मिशन आप देखिएगा, कभी जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं आप कभी भी उनकी वेबसाइट खोल करके देखिए, उनमें उनका मिशन विजन उसमें डिफाइन होते हैं। आप मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, क्या लेट अस सी, हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी का देखते हैं कुछ, कानपुर वो मिशन है कि नहीं, ठीक। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सब का कुछ ना कुछ मिशन जरूर होता है या विजन होगा। तो विजन तो पता नहीं है कि नहीं, अपने हम आईबीएम डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। हमारा आईबीएम डिपार्टमेंट ये रहा, लेट अस सी, देखिए डायरेक्टर्स मैसेज अबाउट द इंस्टीट्यूट द मिशन ये लिखा है। अब हमारे जो आईबीएम का मिशन है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईबीएम कमिट्स इटसेल्फ, वो क्या कमिट करता है, टू प्रिपेयर सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स विद स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यू, ग्लोबल विजन, अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इनोवेटिव एक्यूमेंट टू एक्सेल इन द कॉम्पिटिटिव डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। ये हमारे आईबीएम का मिशन है कि हमें ऐसे मैनेजर तैयार करने हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एथिकल हो, वैल्यूज हो, ग्लोबल विजन हो, रिस्पॉन्सिबल हो, हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस हो, इनोवेटिव हो। इस तरह के हम मैनेजर प्रिपेयर करना चाहते हैं किसके लिए, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारे कॉरपोरेट है उसके लिए। तो ये हमारा मिशन है और ये आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म है। ये क्या हमारा एक दिन में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये हमारे लॉन्ग टर्म मिशन है, हमारा ये लॉन्ग टर्म मिशन है। तो एक क्लियरली स्टेटेड मिशन विल प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद गाइड फॉर कैरिंग आउट इट्स प्लान। जो अगर हमें अपने मिशन को अचीव करना है तो ये हमारे एम्प्लॉयज के लिए एक गाइड का काम करता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक मिशन स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द वैल्यूज दैट द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स, द नेचर ऑफ द बिजनेस, स्पेशल एबिलिटीज और पोजिशन द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड इन द मार्केट प्लेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन विजन फॉर वेयर इट वॉन्ट्स टू बी इन द फ्यूचर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक मिशन है तो उसमें क्या होता है, उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लगभग लगभग सब कुछ दिया होता है। क्या कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, मतलब उसका नेचर कौन सा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसमें स्पेशल एबिलिटीज क्या हैं। तो अगर यहां पर आप देखें जो मैंने अभी दिखाया है, तो यहां पर देखिए प्रिपेयर सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स विद स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज, ग्लोबल विजन, ए हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, इनोवेटिव। तो यहाँ पर सारा सब कुछ दिया हुआ है, जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं ना यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा जब हम मिशन डिफाइन करते हैं तो हमारा उसके में विजन भी आता है कि हम फ्यूचर में कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपका मिशन क्या है, आपका मिशन क्या है, तो जैसे आपका मिशन है कि किसी को सीए बनना, किसी को फाइनेंस मैनेजर बनना, या किसी को एंटरप्रेन्योर बनना, ये आपका मिशन है, ठीक। जब ये आपके मिशन कंप्लीट हो गए तो अब मैं पूछूंगी आपका विजन क्या है। मैंने कहा कि मैं आपको 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मैं एक टाइम टेन्योर जोड़ देता हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो 5 साल बाद आप किस कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं। ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। द क्वेश्चन द विजन इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी ऑल्सो, ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप कहीं ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपने एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी में ज्वाइन किया इंटरव्यू के तौर पर, तो पूछेंगे कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि अभी तो आप अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि सर मैं 5 साल बाद अपने आप को फाइनेंस मैनेजर के तौर पर देखना चाहता हूँ, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर देखना चाहता हूँ, सीएफओ के तौर पर देखना चाहता हूँ। जब भी आपका विजन होगा आप वहां पर बता सकते हैं, ठीक। अब जो स्ट्रेटजिक मिशन होता है उसको लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट स्ट्रेटजिक मिशन, आस्क
जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हमें अपने आप से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। हम कोई भी स्ट्रेटेजिक मिशन लिखने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जैसे व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हाउ डू वी डू, हम इसको कैसे करते हैं, एंड फॉर हुम डू वी डू इट, और हम ये किसके लिए करते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप अपने स्ट्रेटेजिक मिशन को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटेजिक मिशन को डिफाइन करने के लिए आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर पता, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उनका आंसर बेटर तरीके से जानते हैं कि हम क्या करते हैं, आप उसको बताएंगे कि हम क्या करते हैं बेटर तरीके से, कैसे करते हैं और किसके लिए कर रहे हैं, तो फिर उसी से रिलेटेड आपका मिशन बन जाता है। ठीक, कैसे, क्रिएट ए ड्राफ्ट मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ द कंपनी यूनिकली आंसर दीज क्वेश्चंस टच ऑन द ऑर्गेनाइजेशन करंट ऑपरेशन एंड इंडस्ट्री इट इज। जो आपके पास ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये आंसर कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ये आंसर जो आप, मैंने ये क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। आप इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने, मैंने पूछा है व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, तो हमने कहा कि सर हम पढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा और इसी को और अलग तरीके से दिखाना चाहें कि सर मैं सीए बनने, मैं सीए बनने की तैयारी करता हूँ, मैं सीए बनने की तैयारी करता हूँ, आप पढ़ते बीकॉम हैं, लेकिन आपने क्या है, अपने जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जवाब दिया है, ठीक है ना। इसी तरह से कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये सब जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आप टच द ऑर्गेनाइजेशन करंट ऑपरेशन, उसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन करंट में क्या कर रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। टच द करंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसमें जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को भी ध्यान में देना पड़ता है और वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद लुक एट कंपटीटर्स इन द इंडस्ट्री एंड यूज देयर मिशन स्टेटमेंट फॉर रिसर्च। आस्क योरसेल्फ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, रिवाइज योर मिशन स्टेटमेंट एज नीडेड। इसके साथ ही आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की भी मिशन स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। जैसे अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके 48 49 स्टूडेंट हैं, उनमें से कोई एक टॉपर होगा, उनमें से कोई एक टॉपर होगा, एक सेकंड और थर्ड पोजीशन पर होंगे, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों में कंपटीशन चल रहा है, इन तीनों में कंपटीशन चल रहा है। जब कंपटीशन चलता है तो क्या होता है कि कभी फर्स्ट वाले को हमेशा डर लगा रहता है कि सेकंड वाला कहीं उसको क्रॉस ना कर दे, और सेकंड वाला सोच रहा है कि मैं कैसे इसको क्रॉस करूं, थर्ड वाला सोच रहा है कि मैं कैसे सेकंड वाले को क्रॉस करूं, सेकंड वाला सोचता है कि कैसे मैं थर्ड वाले को, थर्ड वाला कहीं मेरी जगह ना कर ले। तो हमें क्या है, एक दूसरे की, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमेशा रखनी चाहिए। जैसे ही ये हमारे पास मिशन स्टेटमेंट है, तो अगर हमारे कॉम्पिटिटर, जैसे अगर जो फर्स्ट वाला है वो तो कहेगा कि मुझे अपनी पोजीशन बचा के रखनी है, सेकंड वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, अगर सेकंड वाले से पूछेंगे तो कहेगा मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ। तो हमें क्या है कि अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टेटमेंट को पता चलना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट वाले को पता चल जाए कि सेकंड वाला मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो अपने और उसी हिसाब से तैयारी करेगा। तो अपने कॉम्पिटिटर्स के मिशन स्टेटमेंट को रिसर्च करना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद आप खुद से पूछिए कि अब आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या नहीं करना है। अब आप जब कॉम्पिटिटर के बारे में जब जान जाएंगे तो आप फिर समझ जाएंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। जैसे सेकंड वाला अगर फर्स्ट वाले के बारे में जान गया तो वो सोचेगा कि अब मुझे किस तरह से तैयारी करनी है कि मैं इसको कम्पीट कर पाऊँ, या मुझे क्या नहीं करना है जिससे मैं इसको पीछे कर पाऊँ। सिमिलरली यही कंडीशन फर्स्ट वाले की भी होती है। तो रिवाइज योर मिशन स्टेटमेंट एज नीडेड, तो आपको जब जरूरत होगी तो फिर आप अपने मिशन स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक, नाउ गेट फीडबैक फ्रॉम अदर्स मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वंस द स्टेटमेंट इज ड्राफ्टेड। जब एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको फीडबैक की जरूरत पड़ती है, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे फीडबैक कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, हम अपने मिशन के करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी जब हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड का एग्जाम्पल लिए, तो कैसे आपका फीडबैक कैसे होगा, जब हम कोई क्लास टेस्ट लेंगे
या आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें आपका फीडबैक मिलेगा कि आप फर्स्ट सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन के लायक हैं या नहीं है। आपका फीड जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फीडबैक क्या होगा, जो आपके रिजल्ट होंगे, जो आपके रिजल्ट होंगे वो आपका फीडबैक है। तो ऐसे ही कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं जो उस मिशन या पॉलिसीज के लिए काम करते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट द थर्ड स्टेप इज डिफाइन द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने हैं। पीछे हमने मिशन को किया था, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को कर रहे हैं। दिस थर्ड स्टेप इन द स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस टारगेट्स नीडेड टू रीच क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो थर्ड स्टेप है उसका क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस टारगेट कर रखी है उसको हमें मॉनिटर करना है, हमें उसको देखना है। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करते हैं तो कैसे, ये ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मार्केट पोजीशन रिलेटिव टू द कंपटीशन। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट पोजीशन आपके जो कंपटीटर है उनके रिलेवेंट है, जो आपकी मार्केट पोजीशन है वो क्या आपके कंपटीटर के रिलेवेंट है, इस तरह का आप एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। मतलब कि आपको अपने कंपटीटर्स को ध्यान में रख करके ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, ये आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है अपने कंपटीटर को ध्यान में रख करके बनाया है। फिर अगला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, अगला डिजायर्ड मार्केट शेयर, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस। अब मार्केट शेयर, जो पहला ऑब्जेक्टिव था मार्केट पोजीशन रिलेटेड टू द कंपटीशन, अब यहां पर जो तीसरा है डिजायर्ड मार्केट शेयर। अब आपको क्या सेट करना है कि आपका मार्केट में कितना शेयर होना चाहिए, मार्केट में शेयर का मतलब कि आपकी पहुंच कितने कस्टमर तक है, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, जिससे आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे इस समय हम नेटवर्क इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में मोस्टली नेटवर्क का मार्केट शेयर जो है वो जियो के पास है। अगर हम देखें तो मोस्टली नेटवर्क शेयर वो जियो के पास है। अब देखते हैं एक हम इसका जो है लाइव एग्जाम्पल देखते हैं जरा आपकी स्क्रीन पर कि किसका मार्केट शेयर कितना है। ठीक, तो मैं ये गूगल पर सर्च कर रहा हूं मार्केट शेयर ऑफ नेटवर्किंग कंपनीज इन इंडिया, मार्केट शेयर ऑफ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स इन इंडिया। ठीक है ना, अब देखिए ये है मार्केट शेयर, यहां पर आपका एक ग्राफ बना हुआ है। This Reliance Jio held the highest share of subscriber at over 35%. जो पूरा टोटल मार्केट है उसका 35% केवल Reliance Jio ने होल्ड रखा है, समझ रहे हैं? ये 2020 के एंड तक का डेटा है। ये जो मार्केट शेयर है सबसे ज्यादा Reliance Jio, मैं जो चीज अभी बता रहा था ये वही चीज है। तो आपको मार्केट शेयर को कैसे इंप्रूव करना है ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक, इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है भारतीय एयरटेल का, भारतीय एयरटेल का कितना है 29.24%, 29.24% इसका इतना मार्केट शेयर है। फिर वोडाफोन का कितना है, वोडाफोन आइडिया का 24.26%, 24.26%, BSNL का कितना 10.72%। और इसके बाद फिर देखिए सब तो फिर पॉइंट में है, कौन सा MTNL 0.53%, टाटा टेली सर्विसेज 0.14%, रिलायंस कम्युनिकेशन 0.02% और क्वाड्रेंट 0.02%। तो आपने यहां पर देखा कि जो रिलायंस, भारती और वोडाफोन, ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो मोस्टली इनका मार्केट शेयर है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन सा कितना मार्केट शेयर आप करना चाहते हैं।
और ये कब होगा, जब आप अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस देंगे। और जब आपको ये मार्केट शेयर इंक्रीज करना होगा तो अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस और बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक। या इसके अलावा और क्या आप देखिए सेट कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन एक्सपेंशन एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड सेल्स इंक्रीज, आप अपनी सेल्स को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का टारगेट या ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद ऑल एम्प्लॉयज एंड स्टॉक होल्डर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेस। और जो आपके स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके सभी स्टॉक होल्डर्स मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो और आपके एम्प्लॉय सबको पता होना चाहिए, वो सभी को पता होना चाहिए। क्यों कि अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वो उसको अचीव करने में कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को आप अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में अवेयर कर देंगे तो वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल प्ले करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में, ठीक। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉय या स्टैक होल्डर्स होते हैं उनका अपना खुद का भी ऑब्जेक्टिव होता है, उनका खुद का भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो अपने वो खुद के ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं। ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात, लेकिन आप डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव भी सेट कर देते हैं, डिवीजन वाइज भी ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। जैसे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपने कहा कि अगर इस साल कंपनी की सेल 25% बढ़ गई तो सभी एम्प्लॉयज को बोनस मिलेगा, तो फिर कंपनी क्या करते हैं, फिर वो अपना अपना टारगेट रख लेते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है, ये वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। तो जब वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो उससे कंपनी का भी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर द स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव विच कैन बी सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट स्टेप डिफाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी द रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन वेयर इट फिट्स इनटू द मार्केट प्लेस। दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल बट टू ईच इंडिविजुअल यूनिट एंड डिपार्टमेंट थ्रू आउट द एंटरप्राइज। ईच एरिया मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स रोल विद इन द कंपनी एंड हाउ दोज रोल्स एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजिशन। ऐसे अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये देखना है कि मार्केट में वो कहाँ पर अपने आप को फिट देखती है। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर रिलायंस जियो और वो जियो भारती एयरटेल वोडाफोन और BSNL ये चार हैं, तो अब यहाँ पर अगर BSNL की बात देखें तो BSNL को अगर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है तो वो अपने आप को कहाँ पर देखती है, चौथे प्लेस पर। अब क्या करना है कि अगर BSNL को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो क्या करें, वो अपने हर एक सेगमेंट को उसको चेक करना पड़ेगा, मतलब कि उसके ब्रॉडबैंड को अलग चेक करना पड़ेगा, उसके MTNL को अलग चेक करना पड़ेगा, उसके फाइबर वाले को अलग चेक करना पड़ेगा, उसके प्रीपेड को अलग चेक करना पड़ेगा, उसको पोस्टपेड को अलग चेक करना पड़ेगा, इन सब को, उसके हर डिवीजन को, जो BSNL है उसके हर डिवीजन हर डिपार्टमेंट को उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और वो जब हर डिवीजन उसकी ग्रोथ होगी या हर डिवीजन अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके उसको अचीव करेगा तब वो जा करके वहां पर कंपीट कर पाएगा किसको, जियो को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को नहीं बनाए रखते हैं तो फिर कोई ना कोई आकर के आपको उस प्लेस से हटा देगा। मार्केट में आप जहाँ पर हैं अगर आप कॉम्पिटिशन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको वहां से वो हटा दिया जाएगा। इसके लिए थ्री फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। हमें तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन से, द इंडस्ट्री, द कॉम्पिटिशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो अभी आपका इसी यूनिट में और भी अच्छे से आएगा, हम उसमें और भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक होता है शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है ना। तो
आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ये बाकी का जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक। हम डिफाइन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से बाकी के फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो थ्री स्टेप और बचे हैं वो कल स्टडी करेंगे। तो अब अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इफ समवन हैज एनी क्वेरी अबाउट द टॉपिक दैट आई हैव टॉट टुडे सो यू कैन आस्क। नो क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं है? चलिए ठीक, तो फिर आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं इसी समय इसके साथ अगले टॉपिक के साथ, ठीक। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू ऑन टुमारो।